शायद बीता हुआ कल मायने नहीं रखता। नए सिरे से नया पन्ना आज शुरू करेंगे और हो सकता है कि कर दिखाए जिसका इंतजार हमें पिछले चार दिनों से। बिल्कुल लीजिए। और उस ऑटोमेटिक क्वालिफाइंग मार्क से कम का ये थ्रो है, 83.50 का जो ऑटोमेटिक क्वालिफाइंग मार्क है, जो आप पीली पट्टी देख पा रहे हैं, उससे कम का ये इनका पहला थ्रो। खासे खुश हैं अपने एफर्ट से। रन अप अच्छा लिया, पुल बैक अच्छा था जैवलिन का रिलीज करते समय, और फिर थ्रो की जो आर्चिंग मोशन थी उससे भी खासे खुश लगते हुए। देखिए इनका पर्सनल बेस्ट है 86.37, लेकिन अब बारी यहां पर अप्रोच काफी अच्छा था, लेकिन पहले थ्रो जितना नहीं, तकरीबन 82.5 के आसपास का इनका होना चाहिए ये मार्क। खुश नहीं लग रहे हैं, शायद उनकी थोड़ी सी बाई एड़ी मुड़ गई थी इस मौके पर। क्या कई बार जब आप इस थ्रोइंग टेक्निक पे नजर डालेंगे और फुटवर्क पे नजर डालेंगे, तो जो दाएं और बाएं पैर के बीच में बिल्कुल थ्रोइंग मोशन से पहले जो क्रॉसओवर्स होते हैं ना, वो खासे स्मूथ होने जरूरी, और वो क्रॉसओवर्स ऐसा लगा उसमें वो फ्लूइडिटी, वो जो एक फ्लूएंट मोशन चाहिए थी, वो शायद लाने में कामयाबी मिली नहीं वहां पर अब्दुल रहमान को। चलिए अब नॉब किया तो हमने देख लिया, लेकिन कुछ मूल बातें हैं इस खेल की जो हम आपको, जिसके अंदर अंदर आपको रहना है। अपना थ्रो करने के पहले बहुत निराश होंगे इस थ्रो से, वो तकरीबन 76-77 मीटर के आसपास।